हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आपका स्वागत करता हूँ आईटी वर्ल्ड्स पे। आज हमारा टॉपिक है गैप के बारे में, या फिर आपके एजुकेशनल गैप हो गया, या फिर आप पास आउट है 2018 में, आप 2022 में जॉब सर्च करें, या फिर आप एक कंपनी में जॉब करते थे, छोड़ दी, एक साल हो गया, दूसरी कंपनी में सर्च करो, उस वक्त आपको ये हो गया है गैप। ओके, आपके प्रोफाइल में सिंपली समझ आ रहा है 4 साल आपने कुछ किया नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब ये कंपनी हमेशा क्वेश्चन कुछ पूछती है कि अरे आपके प्रोफाइल में गैप है, आप 4 साल क्या कर रहे थे, आप 2 साल क्या कर रहे थे, अरे आपने एजुकेशन में एक ड्रॉप ईयर है, उस साल आप क्या कर रहे थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? कॉन्फिडेंस चेक करना है, कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एंड मोस्टली ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है, हमेशा देखिए बिफोर सैलरी निगोशिएशन, बिफोर कुछ ऐसा पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका 80% सिलेक्शन हो गया है। ये क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपरली आंसर कर दिया आपका 90% हो जाएगा। बट कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता, फ्रेशर्स को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि अरे ये क्वेश्चन क्यों। वो क्या करते हैं जब ये क्वेश्चन पूछा जाए, अरे आपके प्रोफाइल में गैप क्यों है, बोलते सर है अभी क्या करे, हमने कुछ किया नहीं, अरे सर कुछ तो था प्रॉब्लम, फैमिली इशू था, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, ऐसा फालतू रीज़न दे देते और रिजेक्ट हो जाते। ओके, ऐसा फालतू रीजन दे दिया तो आप पक्का रिजेक्ट हो जाओ। तो इसको आंसर कैसे करें, स्मार्ट वे से आंसर कैसे करें? फर्स्ट हुआ आपका एजुकेशनल गैप, आपको 1 साल ड्रॉप था इसीलिए आपको एजुकेशनल में गैप है। तो फर्स्ट थिंग, तो आप रिज्यूम पे लिखिए मत पास आउट ईयर। ओके, किसका ध्यान नहीं गया तो हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि लिखना इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर लिखिए। एंड बट कोई पूछ लेता है कि आपने आपका पास आउट ईयर में कुछ इश्यू है क्या, आपको गैप था क्या, तो बोल दीजिए हाँ सर मुझे गैप था, जब मैं पढ़ाई में था तब इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, मेरा ध्यान थोड़ा अलग था, स्पोर्ट्स में था, कुछ अलग में था, इसलिए मैं इतना ध्यान था नहीं पढ़ाई में, तो जब मुझे ड्रॉप लगा मुझे रियलाइज़ हुआ अरे मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई में, तब से मैंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और नेक्स्ट टाइम से मेरा रिजल्ट अच्छा आने लगे। इनफैक्ट जो 1 साल गैप था उसमें मैंने कोई प्रॉपर स्किल एक्वायर किया, जैसे सी लैंग्वेज कर लिया था, C++ कर लिया था, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा था, या फिर वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहा था, कोई एक्सेल पे काम कर रहा था, ये बता दीजिए और स्किल शो कीजिए। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया झूठ झूठ, नहीं, स्किल्स होना चाहिए। ओके, कोई कोई होता है कि पास आउट 2018 में एंड अभी 2022 चल रहा है, सो 4 साल का गैप हो गया, तो हाउ टू ओवरकम दैट गैप। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो कैसे आंसर करना। तो फर्स्ट, मोस्ट कैंडिडेट्स क्यों गैप लेते हैं, एक तो खुद का फैमिली बिजनेस होता है, स्टार्टअप करना है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट हुआ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ओके, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो बोल दीजिए कि सर वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, एक पोस्ट के लिए 500 एप्लीकेशन आ जाती है, या फिर कई कई बार तो 1,000-1,500 एप्लीकेशन आती है, तो उसी वजह से कॉम्पिटिशन ज़्यादा था, इसी वजह से सिलेक्शन इतना ईजीली हो नहीं पा रहा था, और अभी 4 साल बाद मुझे मेरे फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, इसीलिए मैं ट्रैक चेंज कर रहा हूँ, अब मैं प्राइवेट के लिए टारगेट कर रहा हूँ। बट हाँ, 4 साल में मैंने कई चीज़ों पे काम किया है खुद के, जैसे मैं सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छा था, मैं कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, बाद में उस टाइम पे मेरा मैथ्स अच्छा था, लॉजिकल अच्छा था, एनालिटिकल स्किल्स अच्छे थे। इससे शो करेगा कि आपकी थिंकिंग कितनी पॉजिटिव हो सकती है, कि आप कितने पॉजिटिवली थिंक कर सकते हो किसी भी रॉन्ग मोमेंट पर। ओके, क्योंकि आपके पास स्किल्स है। बाद में आप बोल दीजिए सर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, क्योंकि मुझे प्रॉपर आंसर करने पड़ते थे, प्रॉपरली प्रेजेंट, इसीलिए प्रेजेंटेशन, इनफैक्ट मेरा कम्युनिकेशन एंड रिटन एंड ऑल्सो इन ओरल अच्छा है, क्योंकि आंसर्स करने पड़ते थे, प्रॉपर आंसर राइटिंग होता था। इससे आप स्टैंड आउट करोगे बाकी के कैंडिडेट से, भले आपको 4 साल का गैप है पर वो निगलेक्ट कर देंगे कि भाई इसके पास तो अच्छे अच्छे स्किल्स है, 4 साल में इसने बहुत अच्छा काम किया। सेकेंड हो गया कि कोई स्टार्टअप पे काम कर रहा था, किसी ने खुद का स्टार्टअप किया था, फैमिली बिजनेस था, उस कंडीशन में क्या, सर मैं खुद का स्टार्टअप पे काम कर रहा था, फैमिली बिजनेस था, मुझे वहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ता था, वहाँ पे मुझे मार्केटिंग करना पड़ता था, खुद का प्रोडक्ट था तो मार्केट में लेके जाके दिखाना पड़ता था, क्लाइंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता था, इसी वजह से मेरा कम्युनिकेशन भी अच्छा है, इनफैक्ट मैं ट्रैवल भी करता था, इसलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ का अच्छा नॉलेज है, जैसे कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से बिक सकता है, वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, बाद में टीम मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, मुझे मैनेज करना पड़ता था, बाद में मेरे अलग अलग छोटे छोटे स्किल्स हैं जो अलग स्टैंड आउट करेंगे, जैसे मेरा
इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा है, मुझे टीम हैंडलिंग आती है, टीम मैनेजमेंट आता है, ऐसे स्किल्स हो गए, बाद में मुझे डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, इस स्किल्स से आप स्टैंड आउट करोगे। ओके, कंप्लीट 100 कैंडिडेट्स हैं और 2 पोजीशंस हैं, तो आपका भी हो सकता है, गवर्नमेंट कैंडिडेट्स का भी हो सकता है। ओके, ऐसे कैंडिडेट्स के भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है और इतना भी ईजी नहीं है। अगर आप स्किल शो कर रहे हो तो आपको आना भी चाहिए उतना अच्छे से। थर्ड हो गया कि कोई एक कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे, आफ्टर सम टाइम आपने डिसाइड किया छोड़ दें, एक साल तक अभी न्यू कंपनी सर्च कर रहे हो पर मिल नहीं रहा कोई जॉब, तो वैसे सिचुएशन में क्या कीजिए, एक हाथ सर्टिफिकेशन कर लीजिए और जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो बोलिए कि सर मैं कुछ और कर रहा था, मैं मार्केटिंग में था बट मुझे लगा मैन्युफैक्चरिंग या फिर आईटी में स्विच होना अच्छा है, टेक्निकल फील्ड में स्विच होना अच्छा है, इसलिए खुद को रीस्किलिंग कर रहा था, या फिर मुझे कुछ खुद का स्टार्टअप करना था वहाँ पे काम करना था, या फिर मुझे बस एक्सप्लोर करना था नई नई चीज़ें, तो वो एक्सप्लोर कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में आप अलग स्टैंड आउट करोगे, आपका इजीली जॉब ओपनिंग के लिए आप इजीली सुटेबल हो जाओगे। इनफैक्ट आप अगेन 100 कैंडिडेट्स में से अलग स्टैंड आउट कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में, अगर प्रॉपर आंसर कर दिया तो, एंड 90% चांसेस है अगर आपका हो सकता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, कोई कोई कंपनीज होती है जो अलाउड नहीं करती, गैप को अलाउड ही नहीं करती, ऐसे बस 2% कंपनी होती है, 98% कंपनी अलाउड करती है, यस करती है वो, तो उन पर टारगेट कर जाए, वो वेस्ट मत कीजिए, वहाँ पे आपका एफर्ट 2% पे आफ्टर एक्सपीरियंस वो भी अलाउड करेगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि MNCs नहीं कर रहे, MNC में नहीं हो पा रहा क्लियर, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो स्टार्टअप लेवल मिड कैप पे चाहिए, वहाँ पे तो 100% अलाउड करते हैं, तो स्टार्टअप्स पे चाहिए क्योंकि स्किल्स मैटर करते हैं, वो कैप नहीं देखेंगे, वहाँ पे चले जाइए, हो जाएगा इजीली। अगर आपको अगर आप जॉब सर्चिंग कर रहे हैं तो 2 लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक व्हाट्सअप की, एक टेलीग्राम की, ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ जॉब अपडेट्स रहते हैं, बड़ी कंपनी से लेकर स्टार्टअप पे, इनफैक्ट विद रेफरल डालते हैं, आपको रेफर किया जाएगा प्रॉपर पोजीशंस के लिए, तो वो ज्वाइन कीजिए। एंड हम लोग यूट्यूब पे भी जॉब ओपनिंग डेली डालते हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, थैंक यू।